बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। आज हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को स्टडी करना है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है, किस तरह वर्किंग और इसकी वर्किंग क्या होती है, नीज़ हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं। स्क्रू गेज की जो डेफिनेशन है स्टार्ट पर आपके पास, ठीक है, जो गिवन है हमें, A screw gauge is an instrument that used to measure small lengths with accuracy greater than vernier calipers. It is also called as micrometer screw gauge. Last lecture में हमने vernier caliper के बारे में पढ़ा, जिससे हम 0.1 millimeter तक मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ की लेंथ, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो किसी जगह पर तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद आपने हेडिंग इसकी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन या कंस्ट्रक्शन की हेडिंग हम देंगे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता क्या है, किस तरह से बना होते हैं। तो ये फोर्थ लाइन जो है, इट आ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम, यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में। A simple screw gauge consists of a U-shaped metal frame with a metal stud at its one end, as shown in figure 1.9. जैसा 1.9 फिगर में दिखाया हुआ, ये 1.9 डायग्राम है। अब इसमें देखें कि ये क्या होता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक यू शेप हमारे पास सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसके एक तरफ हमारे पास स्टड लगा होता है। अच्छा, उसमें दूसरी तरफ एक होलो सिलेंडर होता है और होलो सिलेंडर पे मिलीमीटर्स में मार्किंग हुई होती है, और जो और इस मिलीमीटर में जहाँ पे मार्किंग हुई होती है उसको हम इंडेक्स लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जहाँ पर जिस सिलेंडर पे आपको ये वाला जो सिलेंडर है इसको हम क्या, ठीक है, होलो सिलेंडर होता है, इसको इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, होलो सिलेंडर एज अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट कॉल इंडेक्स लाइन। अब होलो सिलेंडर पे मिलीमीटर में स्केल बना होता है, इसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। द होल, अब ये जो होलो सिलेंडर है ये एज अ एक्ट्स के तौर, नट के तौर पे एक्ट करता है, कि इसको हम इसमें किसी चीज़ को प्लेस करते हैं, किसी, हमने अगर किसी स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके बाद इस, ये जो होलो सिलेंडर है ये एज अ नट के तौर पर काम करता है और ये रोटेट भी करता है इसके अंदर। और इसके बाद ये अटैच स्टड के ऑपोजिट जो है वो अटैच होता है। अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। अब ये जो पार्ट है, ये जो सिलेंडर टाइप हमें चीज़ एक नज़र आ रही है, इसको हम थिम्बल का नाम देते हैं। देखिए, अगर पार्ट्स वाइज देखें तो ये यू शेप मेटल फ्रेम हो गया, ये स्टड है, उसके बाद, ठीक है, अब ये जो थिम्बल है ये मेन स्केल और इंडेक्स लाइन हमने पढ़ लिया, ये जो सर्कुलर स्केल आपको चीज़ नज़र आ रही है इसको हम नाम देते हैं थिम्बल का। थिम्बल में क्या होता है कि इसमें डिवीजंस बनी होती हैं, 100 डिवीजंस बनी होती हैं, और थिम्बल जब एक कंप्लीट रोटेशन करता है, ठीक है, सर्कुलर शेप होती है इसकी, तो एक कंप्लीट सर्कल रोटेशन, जब इसमें रोटेशन होती है तो ये क्या होता है कि इंडेक्स लाइन पर एक मिलीमीटर जो है वो मूव कर जाता है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 millimeter। अब इसकी वजह क्या होती है कि स्पिंडल पर ये जो इंडेक्स लाइन है इस पर जो कंजक्टिव थ्रेड्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस 1 millimeter होता है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज ऑन द स्पिंडल। ये डेफिनेशन आपने यहाँ से याद कर लेनी है पिच ऑफ स्क्रू गेज की। पिच ऑफ स्क्रू गेज के डेफिनेशन आपने ये लास्ट थ्री लाइन, सेकेंड लास्ट थर्ड लाइन से यहाँ से देखें, द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड्स, यहाँ से हम डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 millimeter, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये डेफिनेशन होगी पिच ऑफ स्क्रू गेज की। अब नेक्स्ट इसमें है, थिम्बल हैज़ 100 डिवीजंस होती हैं जी, बिल्कुल। इसमें देखें थिम्बल पे जो रोटेशन सर्कुलर स्केल होता है उसमें 100 डिवीजंस बनी होती हैं, और जब 100 डिवीजंस पास होती हैं आगे, ठीक है, तो 100 डिवीजंस पास होने के बाद इंडेक्स लाइन पे ये जो सर्कल है 1 millimeter टुवर्ड लेफ्ट साइड टुवर्ड मेटल, ये हमारे पास जो यू शेप मेटल फ्रेम है उस तरफ 1 millimeter मूव करता है थिम्बल।
अब नेक्स्ट इसका है लीस्ट काउंट। अगर लीस्ट काउंट हमने निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू गेज का हमने अभी पढ़ा कि स्क्रू इंडेक्स लाइन पे स्पिंडल पर दो कंजेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, उसको हम पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज होती है 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजंस होती है 100। तो 1 को 100 से डिवाइड हम करें तो आंसर आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ गया 0.001 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट है वर्नियर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। उसके बाद उसकी वर्किंग है कि वर्किंग किस तरह से काम करता है स्क्रू गेज। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जीरो एरर। इसका जीरो एरर चेक करना होता है इंस्ट्रूमेंट का। पहले जीरो एरर चेक करने के लिए क्या है कि इसको आप जो गैप होता है स्पिंडल और स्टड के दरमियान उसको क्लोज कर लें। रैचेट को आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, ठीक है। ये जो लास्ट पे ये लगा होता है ये रैचेट होता है, और रैचेट को जब हम मूव करते हैं तो रैचेट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्पिंडल के साथ। मतलब रैचेट को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पिंडल क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल और स्टड क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप इसको मूव करते जाएँ रैचेट को कि स्पिंडल अटैच हो जाए स्टड के साथ। इस कंडीशन में जब ये स्पिंडल और स्टड बिल्कुल अटैच हो जाएँ, उस कंडीशन में अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन को इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रहा हो तो उसका मतलब है ज़ीरो एरर सिस्टम में नहीं होगा। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से मैच ना करे, अब इसमें ये देखें, अब इस कंडीशन में क्या है कि सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन इंडेक्स लाइन जो है या मेन स्केल जो है उसके ज़ीरो को कुछ से कंसाइड कर रहे हैं। इस कंडीशन में ज़ीरो एरर नहीं है, लेकिन अगर ये कंसाइड ना कर रहा हो तो ज़ीरो एरर होगा। और इसमें भी दो तरह का ज़ीरो एरर हो सकता है, ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपने पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए करना है। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, अब इसमें देखें ये 15, 10, 5 और नीचे कहीं जाके ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो अब ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से बिहाइंड है। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बिहाइंड इंडेक्स लाइन होगा तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो क्रॉस कर जाए इंडेक्स लाइन को, जिस इस डायग्राम में देखें कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुका है, तो इस कंडीशन में जो ज़ीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए आपने याद कर ले रहे हैं।